हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 में हड़ताल का तीज व्रत कब है, व्रत का पारण कब करें, कौन कौन से मुहूर्त पूजा के लिए विशेष शुभ रहेंगे और साथ ही जानेंगे किस मुहूर्त में पूजा करने से बचना चाहिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हड़ताल का तीज मनाई जाती है। इस विशेष तिथि पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीज का यह व्रत निर्जल किया जाता है, इसलिए इसे सभी कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस साल हड़ताल का तीज शुक्ल और ब्रह्म योग में मनाई जाएगी। दोस्तों, कथाओं के अनुसार हड़ताल का तीज का व्रत रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही खोला जाता है। तो चलिए जानते हैं 2024 में हड़ताल का तीज व्रत कब है, व्रत का पारण कब करें, कौन कौन से मुहूर्त पूजा के लिए विशेष शुभ रहेंगे और किस मुहूर्त में पूजा करने से बचना चाहिए। आइए जान लेते हैं हड़ताल का तीज 2024 में कब है। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली हड़ताल का तीज 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 5 सितंबर की दोपहर 12:21 पर। तृतीया तिथि का समापन होगा 6 सितंबर की शाम 3:01 पर। अब जान लेते हैं हड़ताल का तीज पूजा के विशेष शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:49 तक। अमृत काल मुहूर्त सुबह 5:18 से सुबह 7:06 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:38 से सुबह 5:26। हस्त नक्षत्र रहेगा सुबह 6:14 से सुबह 9:25 और ब्रह्म योग रहेगा रात 10:14 से रात 11:16 तक। अब जान लेते हैं किस मुहूर्त में पूजा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार जिस समय सभी ग्रह नक्षत्र शुभ फलदायक दशा में होते हैं, उस समय को शुभ मुहूर्त कहा जाता है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं, वहीं अशुभ मुहूर्त में किए गए कार्यों का फल अशुभ ही होता है। दोस्तों, शास्त्रों में राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना गया है। 6 सितंबर 2024 को सुबह 10:52 से 12:25 तक राहु काल रहेगा। इस समय पूजा पाठ से संबंधित कार्य यदि आप ना करें तो उचित रहेगा। अब जान लेते हैं हड़ताल का तीज पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हड़ताल का तीज के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और शुभ मुहूर्त में माता पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं पूजा स्थल पर स्थापित करें। दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी को तिलक कर दुर्वा चढ़ाएं। माता पार्वती को अक्षत, लाल चुनरी, सिंदूर, सुहाग सामग्री, मेहंदी, फल, फूल, धूप दीप आदि ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को सफेद चंदन, सफेद पुष्प, बिल पत्र, धतूरा अर्पित कर भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़ने के बाद आरती करें। अब जान लेते हैं हड़ताल का तीज का पारण कब करें। दोस्तों, किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रत के बाद पारण अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रती को व्रत का पूर्ण फल मिलता है और व्रत भी पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, 2024 में हड़ताल का तीज व्रत का पारण 7 सितंबर दिन शनिवार की सुबह 6:14 से सुबह 9 बजे तक किया जाएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।